गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4, एंड टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन results in formation of zygote, which begin to develop into the embryo. हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब स्पर्म और एग फ्यूजन होता है तो उसके बाद जाइगोट बनता है. अब जाइगोट जो है वो जब डेवलप होता है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, फर्टिलाइजेशन के दो टाइप बताए थे हमने. वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन बीइंग, इन डॉग्स, काउ and other animals, internal fertilization takes place, that is within the female body. In external fertilization, the fertilization or the formation of zygote takes place outside the female body. For example, fish and frog lay egg outside the body, and then the fertilization takes place outside the body, that is external fertilization. Now zygote is divided rapidly to give rise a ball of cells. तो जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है और एक बॉल टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, उसके अंदर सारे सेल्स आ जाते हैं. The cells then begin to form groups. ठीक है ना, जो cells होती हैं वो groups बनाने लगती हैं. That develop into different tissues. अब cells जो हैं मिलके, group of cell मिलके tissue बना देती हैं. और जो tissues बनती हैं वो फिर organ of the body को में convert हो जाती हैं. This developing structure is termed as embryo. ठीक है, जाइगोट था वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगा और उसका जो डिवीजन होता है वो बहुत रैपिडली होता है, एक बॉल टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स आ जाती है, फिर वो सेल्स कन्वर्ट होती हैं टिश्यूज में, टिश्यूज कन्वर्ट होते हैं ऑर्गन्स में, तो वो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. अब जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो यूट्रस तक पहुंच जाता है और वहां पे स्टिक हो जाता है, वहां पे चिपक जाता है, कहने का मतलब वहां पे अपनी जगह बना लेता है. ठीक, द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस. अब वो धीरे धीरे यूट्रस में डेवलप होने लगता है. अब इट ग्रेजुअली डेवलप इंटू डिफरेंट पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एसेट्रा. क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर ही डेवलप होता है और उसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी डेवलप होने लगती है धीरे धीरे. पहले तो क्या थे, एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर था, उसके अंदर सेल्स थी, सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट हुई, अब टिश्यू जब ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो रही तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वो बनने लगती हैं, वो शेप लेने लगती हैं. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फोटोस. अब फोटोस में क्या होता है कि आपके पास जो एम्ब्रियो था उसका डेवलपमेंट हो गया है और उसके अब पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखने लगी हैं, बनने लगी हैं, हाथ बनने लगा, पैर बनने लगा, नाक बनने लगी, हेड बनने लगा. ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है फोटोस.
व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोटस इज कंप्लीट, जब ये डेवलपमेंट की प्रोसेस पूरी हो जाती है, देन द मदर गिव द बर्थ टू द बेबी, तब जो फीमेल है वो क्या करती है, बच्चे को जन्म दे देती है, यंग वन आ जाता हूं। ठीक, इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, यानी एनिमल्स की या ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं उन एनिमल्स की जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इम्पेयर टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे हमने बताया फिश का एग्जाम्पल, फ्रॉग का एग्जाम्पल, ठीक है ना, हेन का एग्जाम्पल। द एम्ब्रियोस कंटिन्यू ग्रोज विद इन द एग कवरिंग, उसके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो एग के अंदर होता है। ठीक है, आफ्टर एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, ठीक है ना, जब उसके अंदर पूरा डेवलपमेंट, आपने देखा होगा है हेन के जो एग होते हैं उसमें बार बार हेन बैठ जाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो फोटस है उसको गर्मी मिल सके, हीट मिल सके, वो ठीक तरीके से डेवलप हो सके प्रॉपर टेम्परेचर के लिए, जो है वो हेन उसके बार ऊपर बार बार बैठ जाती है। ठीक, अब ये जो डायग्राम है वो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, इससे आप उसका डेवलपमेंट समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए दिस इज ओविडक्ट, ठीक है, हमने तीन पार्ट बताए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एक तो था यूट्रस, ठीक है, वो यूट्रस इधर है, ठीक, एक बताया था ओविडक्ट और तीसरी बताई थी ओवरी। तो यहां पे आप देख रहे हैं जायगोट डेवलप हो गया, अब वो ओविडक्ट में आगे बढ़ता है, तो आप देख रहे हैं उसके डिवीजन स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब ये डिवीजन बन गए तो ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे डेवलप हुई है। ठीक, उन्होंने बॉल लाइक स्ट्रक्चर लेना शुरू कर दिया, ठीक, और उसके बाद ये पहुंच जाता है यहाँ यूट्रस में और ये इसकी वॉल पे आ जाता है। ठीक है, अब आप उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को देखें तो वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ये है, अब इसके अंदर आप देखें तो देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, ठीक, और धीरे धीरे इसके अंदर ही, बॉल के अंदर ही क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये टिश्यूज में कन्वर्ट होती है, टिश्यूज के बाद ये कन्वर्ट होती है किसमें, ऑर्गन्स। ठीक, तीसरे डायग्राम में आपको ये दिखाया गया कि ये यूट्रस की वॉल है, ठीक है ना, जैसे ये है यूट्रस की वॉल यहाँ पे दिखाई गई है, तो हम यहाँ पे अगर केवल यूट्रस का एक छोटा सा पार्ट देखें तो ये हो गया इसकी वॉल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। ठीक, ये यहाँ पे स्टिक हो गया, एम्बेडेड हो गया। ठीक, नाउ फोटस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखें आप सबसे पहले कितनी छोटी स्टेज है। ठीक, ये आपको टाइम दिया गया है कब क्या क्या होता है, दिस इज इन डेज और वीक्स, राइट, पहले धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया फोटस। ठीक है, और यहां आप देख रहे हैं 50 mm 90 mm, दिस इज द साइज ऑफ द फोटस। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर फोटस का, और वो धीरे धीरे डेवलप करता है, उसके ऑर्गन्स जो है वो आपको कब क्लियरली दिखाई देने लगे हैं, देखिए हैंड, हेड, लेग्स वगैरह सब दिखाई देने लगते। ठीक, उसके बाद जब ये मेच्योर हो जाएगा तो मदर क्या करेगी, इस बेबी को बर्थ कर देगी। ठीक है ना, नाउ द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज वेबीपरस एंड अदर वन इज ओविपरस एनिमल्स। अब इसमें डिवीजन किस तरीके से किया जाता है, देखिए इधर आप देख रहे हैं विविपेरस एनिमल्स में काउ है, कैट है, डॉग है, जिराफ है, गोरिल्ला है, मंकी है, डियर है, हॉर्स है। ठीक, ये सब क्या करते हैं, ये इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन व्हाइल समवन सम एनिमल लेज एग व्हिच लेटर डेवलप इनटू द यंग वंस। कुछ बर्थ देते हैं यंग वन को, कुछ क्या करते हैं एग ले एग है ना, अंडे देते हैं, उसके बाद वहां से यंग वन डेवलप होता है। द एनिमल विच गिव बर्थ टू द यंग वन आर कॉल्ड वेविपेरस एनिमल्स। यानी ये जो भी बर्थ देगा यंग वन को उसे कहा जाएगा वेविपेरस। दोज एनिमल्स विच लेज एग इज कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। तो ये सारे के सारे ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है ना। बर्ड्स आपने देखी है, फ्रॉग आपने देखा है, हेन आपने देखा है, ठीक है, टर्टल आपने देखा है, स्नेक आपने देखा है, तो दीज ऑल एनिमल्स आर ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है ना। मेटामॉर्फिस, मेटामॉर्फिस में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट होता है एनिमल का। आपने देखा होगा टेडपोल, पहली बात तो एग होते हैं, एग के बाद वो डेवलप होता है टेडपोल में, टेडपोल के बाद उसकी टेल जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और बाकी के पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं, और ये प्रोसेस बड़ी रैपिडली होता है और कुछ ही टाइम के बाद ये पूरा मैच्योर्ड फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी डेवलपमेंट की, तो इसके पास ना लेग था, ना इसका हेड प्रॉपरली दिख रहा था, ठीक है ना। तो कई बॉडी पार्ट्स जो है बहुत जल्दी से डेवलप होके हमको दिखने लगते हैं, ऐसे ही प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, ठीक। लेकिन आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग में जो यंग वन होता है, बर्थ के टाइम से ही उसकी लेग भी दिखती है, हैंड भी दिखता है, हेड भी दिखता है, सारी चीजें दिखती है। तो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में ये बात दूसरी होती है, लेकिन अगर हम बात करें ये इसकी फ्रॉग की, तो फ्रॉग के केस में टेडपोल से मैच्योर्ड फ्रॉग तक बनने में बहुत जल्दी जल्दी उसमें डेवलपमेंट होता है और बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।